हेलो गाइस, मैं खुश रहूँ, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आप लोगों को पता है कि आजकल चलान बहुत ज्यादा कट रहे हैं, तो हमारे सामने एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ पर एक कांग्रेस के नेता का चलान काटा और वहाँ पर खड़ी सब इंस्पेक्टर लीडी के साथ लड़ाई कर ली और उसके बाद उसको धमकी दी कि सस्पेंड करवाऊंगा। और उस लेडी इंस्पेक्टर ने ये चीज बोली कि करवाओ, मैं भी नेता की भतीजी हूँ। तो चलिए जानते हैं ये मामला क्या है। बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा फैलिया हुआ है ये मामला हर जगह पर। इसके ऊपर कुछ नजर डालते हैं आज की न्यूज में। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो एक कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। इंदौर से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर उस्मा खान जो सब इंस्पेक्टर है, जो वहां पर खड़ी थी चेकिंग करने के लिए अपनी टीम के साथ, एयरपोर्ट से बाहर कुछ ही दूरी पर इन लोगों ने अपनी टीम वहां पर तैनात की गई थी कि वहां पर कोई भी कोई गुजरता है तो वहां पर उसको पकड़ा जाए। वैसे तो इंदौर में ये एक्ट चालू नहीं हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है, पर फिर भी आए दिन ऐसी ऐसी खबरें आती रहती है कहीं ना कहीं से। जिसका चलान कट गया उसने ऐसी सब चीजें बोल दी है, ये सब चीजें कर दी, काफी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं आजकल, आप लोगों ने सुने ही होंगे। उसी तरीके से इंदौर से भी यही खबर आ रही है जहां पर एक बाइक पे सवार एक कांग्रेस के नेता गुजर रहे थे और उसके बाद टीम के एक लड़के ने उनका चलान काट दिया। और वो चलान इसलिए काटा क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, और जब हेलमेट पहने हुए चलान नहीं काटा तब उन्होंने धमकी दी कि मैं तुम लोगों को सस्पेंड करवा दूंगा। और सस्पेंड करवा दूंगा तो वहां पर वो सब इंस्पेक्टर लेडी भी पहुंच गई, तब उन्होंने ये चीज बोली कि मैं भी नेता की भतीजी हूँ, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे और टीम को कैसे सस्पेंड करवाते हो। तो जिस तरीके से वो नेता उस लेडी के ऊपर ऐसे ऐसे बक बक बातें किए जा रहा था, तो उस लेडी इंस्पेक्टर ने भी उसकी बोलती बंद करवा दी। और तो और वो नेता, कांग्रेस का नेता, उस लेडी इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाने लग गया, ये बोलने लग गया कि तुम लोग ये सब चीजें पैसा खाने का काम कर रहे हो। तब की उसकी गलती थी, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, पर वो अपने नेता होने का धोस जमा रहा था। और वहीं पर वो जो लड़की है, जो सब इंस्पेक्टर है, उसने इसके चलते हुए ये बात भी बोल दी कि वो लोग चुप हो जाए। तो उन्होंने जो नेता ने था अपने बड़े नेता को कॉल लगा के दिया था, तो बड़े नेता को कॉल लगा के दिया था तब उन्होंने कोई भी फोन नहीं सुना वहां पर, और उसके ऊपर भी बात की जा रही थी। तो उन्होंने सीधा ही ये बात बोली कि हम किसी के साथ फोन पे बात नहीं करेंगे, आपका चलान आपको भुगतान करके जाना होगा, तो जाइए। तो ये सब चीजें बोली, बिकॉज जो नेचुरल है, जो एक्चुअली पुलिस वालों का जो रहता है, वो चीज उनको करनी चाहिए। क्या है अपनी धोस जमाना, नेता होने की धोस जमाना, कोई छोटा सा भी नेता तो भी धोस जमाया जा रहा है कि भाई मैं कांग्रेस का नेता हूँ, क्या सब चीजें लोगों के लिए, क्या सब चीजें की है, क्या ये हेलमेट सरकार ने क्यों बनाया है, ये सब चीजें क्यों बनाई, आप लोगों की सेफ्टी के लिए बनाई है ये सब चीजें करने के लिए कि आप लोग 100 रुपया 50 रुपया तो आप खुद पुलिस वालों को देते हो और उसके बाद अब बचने के लिए, और फिर उसके बाद उनके ऊपर घूस लेने का देने का ये आरोप लग जाता है। और ऐसे नेता है जो ऐसे सब चीजें करते हैं, और इस नेता ने भी किया। इस सब इंस्पेक्टर ने जिसका दावा किया था उसका नाम है आरिफ अखिल, और आरिफ अखिल से जब ये बात की गई, जब इंक्वायरी बैठी, तब बैठने के बाद जब भी ये वीडियोस फोटोज जब वायरल हो गई तब इनको बुलाया गया इंक्वायरी के लिए। जब वहां पर ये लेडी पहुंची तब इन्होंने बोला कि मैंने ये आरिफ अखिल का नाम लिया ही नहीं है, क्योंकि आरिफ अखिल उनके चाचा नहीं है, वो उनकी भतीजी है ही नहीं। और इसीलिए आरिफ अखिल ने भी ये चीज बोली कि मेरी कोई भी रिश्तेदार नहीं लगती है, और इसी के चलते हुए उन्होंने वहां पर उनका नाम ले लिया। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर ने जो चीज वहां पर की वो चीज अच्छी थी, क्योंकि वो कांग्रेस का नेता होने के नाते बहुत बड़ी बड़ी धोस जमा रहा था पुलिस वाले के ऊपर, और सामने वो लेडी है इसीलिए और भी ज्यादा धोस जमा रहा था, और उसने उसकी हेकड़ी सी निकाल के बाहर रख दी। और जब उसने इस नेता का नाम बोला और तब वो चुप हो गया, और शायद उस सब इंस्पेक्टर ने इसीलिए उस नेता का नाम बोला कि ये चुप हो जाए और अपना जुर्माना भरे और यहां से जाए।
और किसी भी इंस्पेक्टर को ये धमकी देना कानूनी जुल्म है और उसी के साथ उसको भी ये उसके ऊपर भी केस चल सकता है। जिस तरीके से वो कांग्रेस का छोटा सा नेता इस तरीके से बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था और शायद जैसे कि उसने उसको चुप करवाने के लिए ये चीज की, हमारी नजर में तो बहुत ही अच्छा काम किया है। और ऐसे जो नेता है उन लोगों को ज्यादा पकड़ना चाहिए और पुलिस वाले भी एक्चुअली बहुत ज्यादा उल्लंघन करते हैं। हमने पहले भी आपको वीडियोस बताई हैं जो सब चीजें की हैं, पर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में अच्छा काम करते हैं। पर इस लेडी ने काफी अच्छा काम करके दिखाया है और अगर उसने नाम भी लिया है तो भी उसमें कोई ज्यादा हर्ज नहीं है, क्योंकि किसी और का अगर मुंह चुप करवाने के लिए उससे बड़े बंदे का नाम लेना पड़े तो ले सकते, क्योंकि हम बड़े बंदे के बारे में जानते हैं और उन छोटे लोगों को पता होता है कि बड़ा बंदा कौन है, बहुत ज्यादा हेकड़ी होती है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस लेडी के ऊपर, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आज की जानकारी आपको जान के अच्छा लगा है तो एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।